दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दो टी20 मैच हारने के बाद अब भारतीय टीम तीसरा टी20 मैच जीतकर वापसी करने के इरादे से उतरेगी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीसरा टी20 मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 किस प्रकार होगी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि उमरान मलिक को तीसरे टी20 मैच की प्लेइंग 11 में जगह मिले तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दिल्ली में हारे, कटक में भी गवाया मैच, अब विशाखापट्टनम में क्या होगा? दोस्तों टीम इंडिया के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब उसके खेल से ही मिलेगा। पहले दो मैचों में हार के बाद अब टीम इंडिया के ऊपर सीरीज गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है और गेंदबाज भी रन नहीं रोक पा रहे हैं। नतीजा साउथ अफ्रीका अब टी20 सीरीज जीतने से महज एक जीत दूर है। भारत लगातार 12 मैच जीतकर इस सीरीज में उतरा था, लेकिन साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम के सामने पहले दो मैचों में उसकी एक नहीं चली। पंत की अगुवाई वाली टीम कई विभागों में संघर्ष कर रही है और उसे एक दिन के अंदर इन कमजोरियों को दूर करना होगा। यदि पहले मैच में भारत खराब गेंदबाजी के कारण हारा तो दूसरे मैच में बल्लेबाजों ने निराश किया। कप्तान के रूप में पंत के फैसलों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरे मैच में अक्षर पटेल को दिनेश कार्तिक से पहले भेजने का निर्णय गलत साबित हुआ था। उनसे एक कप्तान और एक खिलाड़ी के रूप में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अक्षर की स्पिन जोड़ी ने अब तक निराश किया है। तीसरे मैच में इनमें से किसी एक को बाहर किया जा सकता है। वहीं दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर भारतीय तेज गेंदबाज विकेट लेने में असफल रहे हैं। भारतीय टीम प्रबंधन ऐसे में अब तक एक भी विकेट नहीं लेने वाले आवेश खान की जगह तेज गेंदबाज उमरान मलिक को डेब्यू का मौका दे सकता है। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच विशाखापट्टनम के स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच 14 जून की शाम 7 बजे से शुरू होगा और इस मैच का टॉस शाम 6:30 बजे होगा। वहीं दोस्तों इस मैच को जीतने के लिए कप्तान ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। आइए एक नजर डालते हैं तीसरे टी20 में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 के ऊपर। दोस्तों दूसरे टी20 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की जोड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ईशान किशन अच्छी फॉर्म में दिखे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ दोनों मैच में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में गायकवाड़ की जगह हमें श्रेयस अय्यर ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं और फिर तीसरे नंबर पर शानदार फॉर्म में चल रहे दीपक हुड्डा को मौका दिया जा सकता है। वहीं हार्दिक पांड्या और कप्तान ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर को ताकत देने का काम करेंगे। इसके अलावा दिनेश कार्तिक नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। नंबर 7 पर अगले मैच में अक्षर पटेल की जगह रवि बिश्नोई को मौका दिया जा सकता है। वहीं युजवेंद्र चहल स्पिन गेंदबाजी की अगुवाई एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे। वहीं टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी लाइनअप में हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार के साथ इस बार आवेश खान की जगह उमरान मलिक को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये प्लेइंग 11? क्या इसमें कोई बदलाव होने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।